गए, 80% ऐसे टीचर्स निकाले गए। हंसराज कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज माना जाता है वो पूरी तरह से अब गिर गया है उसकी गुणवत्ता। और आईटी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ये हुआ है, पूरा पूरा डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी का निकाल दिया गया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग निकाल दिए गए, हिस्ट्री में आधे निकाल दिए गए। रामजस कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता था वहां पे 80-90% लोग निकाल दिए गए। फिजिक्स में ज्यादातर लोग निकाल दिए गए। मैथ्स पूरा साफ कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? और जो लोग लगाए गए उनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना पढ़ाना चाहते, ना पेपर सेट करना चाहते, ना इन्वेजिलेशन करना चाहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी को रातों रात आपने बर्बाद कर दिया, खंडर कर दिया है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि कौन पढ़ाएगा को लेके, क्या पढ़ाएगा। माया ने थोड़ा बताया, वो क्या मैं जोड़ दूं, क्या पढ़ाएगा मैं, इन्होंने ऑनलाइन मॉडल को ही आगे रखा है। आगे से जो बच्चे हैं वो 70% कोर्स का ऑनलाइन पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पढ़ेंगे। हम सब ने देखा कि 2 साल जब कोविड यहाँ पे रहा कितनी बर्बादी हुई। ज्यादातर बच्चों के पास हिंदुस्तान में ना लैपटॉप होता है, ना इंटरनेट कनेक्शन होता है, ना स्मार्टफोन होता है, ना घर में कोई माहौल होता है जहाँ पे पढ़ पाए वो घर में बैठ के, खास तौर से महिला हमारी जो छात्र है। लेकिन उसी चीज को अब इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, किसका फायदा कराने के लिए। ये एक बिजनेस है, चाहे वो बायजूस हो या अडानी का ऑनलाइन मॉडल हो, उनका पैसा उनको मुनाफा कमाना है और हमारे स्टूडेंट्स की गुणवत्ता खत्म करनी है। कोई टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाई ढंग की उस 2 साल के पीरियड में, उसी चीज को अब जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपको टीचर की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि टीचर को हर जगह से बाहर कर दिया जाए, कोई डिसीजन मेकिंग में ना रखा जाए, चाहे सिलेबस बनाने का बात की बात हो, चाहे एग्जाम स्कीम कैसी होनी चाहिए उसकी बात हो, चाहे अब तो पढ़ाने से भी अलग करना चाहते हैं हमें। तो पढ़ाने से अलग जब टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट अपने आप को खुद पढ़ाएगा या ऑनलाइन पढ़ लेगा, तो क्या गुणवत्ता रह जाएगी हमारे देश की। ये देशद्रोही काम नहीं है तो इसको क्या कह सकते हैं। इसको हम नेशनलिस्ट नहीं मानते, इसको हम पेट्रियोटिक नहीं मानते। ये सबसे बड़ा हमारे देश के साथ विश्वासघात हो